आज का जो वीडियो है इसके अंदर रविंदर भाई आप लोगों को क्लियर करेंगे जो कि मॉडिफिकेशन से रिलेटेड कंफ्यूजन जो आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं, उन चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करेंगे अपने DDS के हेडमास्टर जी रविंदर जी। ओवर टू यू। धन्यवाद धन्यवाद रोहित भाई। और लेकिन टॉपिक सीरियस है, आप थोड़ा सा ध्यान से, है ना? ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है क्लीन चिट दे दी है कि मॉडिफिकेशन करवाना गाड़ी में, चाहे वो गाड़ी हो चाहे वो बाइक है, वो इल्लीगल हो चुका है। ऐसा जो है पहले से है, मोटर व्हीकल एक्ट जब से स्टार्ट हुआ है 1988 से, उसमें सेक्शन 52 में अल्टरेशन ऑफ मोटर व्हीकल में आप देख सकते हैं कि गाड़ी के स्पेसिफिकेशन में कोई चेंजेस नहीं करवा सकते। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग स्प्लेंडर को हायाबुसा बनाते थे और मारुति 800 को लैम्बोर्गिनी। ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा था, जैसे बाइकों में साइलेंसर लगा लेना तेज़ आवाज़ के लिए, पटाखे फोड़ना। अब वो तो यार, हाँ, ये चीज़ सारी गलत है और इसीलिए ठोस कदम उठाया गया है। जैसे कि वो देखो एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो, तुरंत आ जाता है। तो इसमें ये क्या है, तो इस वीडियो में हम खास ये रखने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस आप अपनी गाड़ी में करवा सकते हैं। सीधी सीधी सी बात है, दो चीज़ों को समझना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन और एसेसरी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास है स्विफ्ट LXi, उसमें मान लो आते हैं 165 सेक्शन के टायर और 14 इंच के अलॉय व्हील, और आपकी जो ZXi है उसमें आते हैं 175, मान लो 75 के 16 इंच आते हैं, ऐसा समझ लेते हैं। तो हाँ, तो ठीक है 15 इंच मान लो आप, ठीक है। तो आप अपनी LXi को जो है वो 15 इंच के टायर तक ही लेकर के जा सकते हो, ये नहीं कि 16 इंच का कर दिया या 17 इंच का कर दिया। हाँ। कहने की बात ये है कि जो मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेड जो है वो डायमेंशन है, वहीं तक ही, वही दायरा तक आप लेकर के जा सकते हो अपनी गाड़ी को। अगर उसके आगे गए तो फिर वो मॉडिफिकेशन के अंदर काउंट होगा और फिर जो है वो फाइन हो सकता है आपके ऊपर। उससे होगा क्या, मान लो आपने बड़े जो है अलॉय व्हील लगवा दिए, तो गाड़ी की जो है ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाएगी, जिससे कि गाड़ी की स्टेबिलिटी में खास फर्क आएगा। जब आप गाड़ी चलाएंगे हाई स्पीड में, जैसा भी है, थोड़ा बहुत फर्क आएगा, जो कि सेफ नहीं है। ऐसे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के साथ भी है, चाहे आप अपनी हेडलाइट्स वगैरह चेंज करवा रहे हो, चाहे वो कुछ भी अननेसेसरी का जो प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर, तो वो सारी चीजें। 55 वाट का बल्ब है, लगा रहे हो 85 का, लोड पड़ रहा है आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे, आपकी बैटरी पे, कुछ भी है, इससे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, गाड़ी में आग भी लग सकती है, इसलिए ये सेफ नहीं है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि मॉडिफिकेशन या किस लेवल तक आप लेकर के जा सकते हो, जो मैन्युफैक्चरर द्वारा पास करी गई है वो, या उसके द्वारा जो स्टैंडर्ड निर्धारित करे गए हैं वो, वहाँ तक लेकर के जा सकते। ऐसा नहीं है कि आपने स्विफ्ट में 15 इंच का अलॉय व्हील लगाना है तो आप मारुति की जेन्युइन एसेसरी खरीदें, आप इसको बाहर से भी लगा सकते हैं, लेकिन होना चाहिए 15 इंच के अंदर, फर्क नहीं आना चाहिए। हाँ, ये बात है सिंपल सी। अब एक और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क उठता है जो कि बड़ा है, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि जो ऑलरेडी मॉडिफाइड हैं उनका क्या किया जाएगा। तो ये ग्रे एरिया है, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है कि इनको, जो जिन्होंने पहले से मॉडिफिकेशन करवा रखा है उनको कैसे रोका जाएगा। और हाँ, हालांकि ये बोला है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकते हैं, तो इस चीज़ों में थोड़ा सा ना गौर करना आप लोग भी, अगर आपने करवाई है कुछ ऐसी चीज़ें, पॉसिबल है आपके लिए बदलना तो आप बदल सकते हैं। देखिए, एक निश्चित सीमित दायरे के अंदर रह कर के भी आप बहुत कुछ जो है वो चेंजेस करवा सकते हो अपनी गाड़ी के अंदर, काफ़ी सारे स्टाइलिश जो है अपनी गाड़ी को बनवा सकते हो, बिना डायमेंशंस के साथ खिलवाड़ करे हुए, बिना आपकी सेफ्टी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किए हुए। वैसे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं करवा सकते और आपके ऊपर फाइन वगैरह भी नहीं होगा, ये आप ही की सेफ्टी के लिए है। तो देखो, अब जैसे ही पता चलता है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि जिन्होंने मॉडिफिकेशन करवा रखे हैं उनकी गाड़ियों का क्या होने वाला है। तो यही एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी और आप लोगों को समझाना था कि क्या आप करवा सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ गया है। तो यही है बस आज की वीडियो में, इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की। दायरे में रह करके आप अपनी गाड़ी के साथ कुछ करवा भी सकते हैं, कोई बात नहीं। दायरा।
और उसके बाद सन 2000 में एक अमेंडमेंट आया था कि उसमें ये है कि आप 2% गाड़ी का वेट बढ़ा सकते हो उसमें एसेसरी लगा के, यानी कि इतनी एसेसरी लग सकती है जिससे कि गाड़ी का 2% वेट ही बढ़े। और जैसे कि बाई फ्यूल किट, जैसे सीएनजी किट हो गया, एलपीजी किट हो गया, या इंजन चेंज करना होता था, वो आप आरटीओ की परमिशन लेकर वो करवा सकते थे। इसलिए जब आप गाड़ी में सीएनजी लगवाते हैं तो उसमें जो है आरसी में मेंशन करवाना पड़ता है।